मनाली के कुलंग में 18 दिसंबर की रात सड़क पर अचेत अवस्था में मिले युवक पन्नालाल की घटना का सच पुलिस 24 दिन बाद भी सामने नहीं ला पाई है। मृतक पन्नालाल के आज कुलंग के ग्रामीण एक बार फिर मनाली पहुंचे। उन्होंने डीएसपी पुनीत रघु से शीघ्र जांच की मांग की और आरोपियों को सलाखों के पीछे डालने की बात कही। मनाली के कुलंग में 18 दिसंबर की रात सड़क पर अचेत अवस्था में मिले युवक पन्नालाल की घटना का सच पुलिस 24 दिन बाद भी सामने नहीं ला पाई है। ग्रामीणों का कहना कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी घटना का सच सामने नहीं आ पाया है। वहीं ग्रामीण आज भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। अंधेरा होते ही ग्रामीण अपने घरों में दुबक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने पन्नालाल की हत्या होने की आशंका पुलिस में व्यक्त की थी और जहां युवक गिरा हुआ था उसी मकान मालिक पर शक भी जाहिर किया था। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं ने भी घटना वाली रात कुछ आंखों देखी बात पुलिस को बताई थी। घटना वाली रात पन्नालाल सड़क किनारे मकान के कोने पर सचेत अवस्था में मिला था। उन्होंने बताया कि परिजनों को उम्मीद थी कि पन्नालाल होश में आएगा और अपने साथ बीती आबीती से अवगत करवाए, लेकिन दो दिन बाद डॉक्टर ने पन्नालाल को मृत घोषित कर दिया। पन्नालाल ने बेहोशी की हालत में ही दम तोड़ गया, जिससे उसकी आबीती एक पहेली बनकर रह गई। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले का सच शीघ्र सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि सच सामने ना लाने से पुलिस के प्रति परिजनों व ग्रामीणों में भारी रोष है। पन्नालाल वो गांव में पहले हमारी जो एक होता है जैसे खा गई टाइप उसमें दिया आई, उसमें खा पी रहे थे गांव में सारे, पूरे गांव वाले खा पी रहे थे और उसके बाद सारे घर गए। लेकिन वो लड़का जो है वो रोड से होके आया और रोड से होके आया बाद में एक घंटे के बाद दो घंटे के बाद उसको देखा वहाँ पर लड़कों ने घर जाते हुए कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई नगेंद्र के घर के पास। तो उसमें देखा गांव वाले और ऊपर से लेडीजें निकली, फिर आवाज़ें सुनी, फिर ऊपर से लेडीजें निकली, चार लेडीजें, उन्होंने देखा कि नीचे क्या हल्ला हुआ। फिर नगेंद्र से घर से तीन चार बंदे निकले और टॉर्च लेके और नीचे उसको डेड बॉडी को देख लिया और देखने के बाद वो चले गया। उसने देखा नहीं कि पन्नालाल गिरा हुआ है, नजदीक आने से तो पन्नालाल ही था ना, वो कौन था। चलो लेडीज ने देखा ऊपर से कि नीचे बंदा गिरा हुआ, उन्होंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी ना, ऐसा तो देख लिया ना उसके पन्नालाल। जो नगेंद्र ने तो उसको बंदे को पहचान लिया ना, वो क्यों छुप गया। और उसका बेटा क्या ना रमन, वो दोनों गए थे ऋतिक, वो जाके सो गए, लाइट लूट बुझा दी उसने। हम इनको कि कुछ जल्दी से जल्दी मार को रिपोर्टें चाहिए और उसका रमांडा कर लो, उसको पूछो, उसके मुँह से कुछ बुलाओ क्यों लड़के क्यों चले लड़के दोनों बाहर घूम। नहीं ये हो कि हमारा गांव का जो लड़का था पन्नालाल, गांव में तो सब रिलेशनशिप में है, मेरा भी भाई लगता है रिश्ते में, तो उसकी कम से कम एक महीना होने वाला है तो वो डेड बॉडी पाई गई। तो हम आज तक तो ये हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे गाँव में साहब, तो हमें डर है, तो हम इसके लिए आए थे यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुँची। वहीं डीएसपी मनाली पुनीत रघु ने बताया कि 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है। देखिए कुछ समय पहले कुलंग गांव के नजदीक रात में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला था, जिसको बाद में अस्पताल में लेकर आए थे, जो उपचार के दौरान उसकी मृत्यु वहां पर हो गई थी, जिसमें एक FIR 302 में दर्ज है पुलिस स्टेशन मनाली में, जिसका अन्वेषण सब इंस्पेक्टर हरीश कर रहे हैं। इसमें अभी तक शक के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा सका है, किया जा चुका है, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और कुछ एक रिपोर्ट्स हमारी FSL से बाकी अभी आना है, जिनके अध्ययन के बाद ही इसमें आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।